आज मैं थाने डूंगर बालाजी मंदिर लेके आया जो गोपालपुरा के पास में, और सामने जो पहाड़ के ऊपर थे मंदिर देख रहे हो बालाजी को मंदिर है। और अठे का लोग यहाँ कह रहे हैं कि पहाड़ का ऊपर पहाड़ का पत्थर हो यदि घर की आकृति बना दे तो भी को घर बालाजी जल्दी बना दे। तो बालाजी के मंदिर का दर्शन करने के लिए थाने दो रास्ता जानो पड़ सी। वह दो रास्ता है, वो एक रास्ता जो सामने देख रहे हो वो रास्ता 2100 फुट की चढ़ाई है, एक ऊपर टोटल सीढ़ियां बनाए गए रास्ते है, यूं जानो पड़े सीढ़ियां है वो पूरी कवर्ड है। साइड को जो रास्ता है वो टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए बनाए हुए। तो आज मैं टू व्हीलरों और जो को रोड को साइड में जो बनाए हुए इंटरलॉक लगा के भी रास्ते में जाने के लिए मैं निश्चित करियो। मैं वो तय कर लेने का आज मैं मोटरसाइकिल ये रास्ते जासिया। तो थे रास्ते को नजारो देखो, रस्तो देखने लाग रहे हो ये रस्तो थे पैदल जा सको, और यदि गाड़ी लेके आगे और जानो है तो वो सारे के जो को लेफ्ट साइड में रस्तो है क्यों थे मोटरसाइकिल लेके और साधन लेके थे आगे जा सको। फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर ले जा सको, और गाड़ी मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल लेके जा सको। और वो है पास में पार्क है तो अठे पार्क में रुके थे रेस्ट कर सको, छोटा पार्क बने हुए हैं लेकिन अठे स्वच्छ रखना जरूरी है। पार्क के पास में पानी की टंकी है, हर सात के महीने यदि छोटा बच्चा आवे तो मांगो विशेष तौर पर ध्यान रखा क्योंकि आज की दीवार बनी रही है, आ दीवार बहुत छोटी दीवार है और अठे पास में बहुत ज़्यादा गहरी खाई है, तो आ थाने ध्यान रखना जरूरी है, सेफ्टी अपना हाथ में। अब आगे को भी रस्तों में मोटरसाइकिलों ही कवर कर सा। अब मोटरसाइकिल अठे तक ही जासी, मैं मोटरसाइकिल ने अठे पार्क कर देवा, अठे मोटरसाइकिल खड़ी करके अब मैं अठे पैदल जासिया। सीढ़ियाँ बनेड़ी है, करीबन 300-400 फीट की दूरी है डूंगर बालाजी की, वह मैं पैदल कवर कर सियाँ। दोस्तों पैदल चालने को आनंद ही अलग हुआ है, आपने आज रोड को भी दिखाया और आगे मौको मिलियो तो थाने पैदल आके और पैदल वालों जो रस्तो है भी को भी मैं थाने कवर करके दिखा सिया। अब सामने मैं अठे जूता चप्पल उतार दिया, अभी के बाद में आगे दर्शन के लिए बढ़ जाओ।
अब आप डूंगर बालाजी का मंदिर का मैन परिसर में आ गया और आपने दर्शन करावा। आज के सामने थे उसकी मूर्ति देख रहे हो, आ बालाजी की मूर्ति है, मैन मूर्ति है, आके नीम का खुदाई का दौरान अठे मिली गई है। अठे पहले का किलो वगैरह बना रहा जो कह आवाज आई बतावे तो अठे का बालाजी को मंदिर बनाओ, तो वह जब नीम खोदनी चालू करी भी टाइम के मायने आ मूर्ति मिली। बाकी की जानकारी आप आगे वीडियो में देख लिया। ये मंदिर के मायने और जो मंदिर बनेडो है एक मायने भी 3 बालाजी की मूर्तियां स्थापित करेड़ी है। अब जब थे परिक्रमा लगाओ भी दौरान परिक्रमा का मायने पीछे हॉल है, भी हॉल में लेफ्ट साइड का मायने वो शिवजी को मंदिर है, शिवजी का मंदिर का दर्शन करो। शिवजी के मंदिर के पास में खिड़की है, खिड़कियों से आप देखा तो वो बाहर को जो व्यू है बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार है, वो आप देखो, मैं थोड़ा जूम करके भी आपने दिखा दूँ। राइट साइड का मायने वो धुनो है और ये ठीक धुने के सामने एक सुंदर सो श्री राम दरबार बनेड़ो है, बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर है, बार बार देखने को जी करे। और राम दरबार के पास में जो खिड़की है, भी खिड़कियों बारे को जो व्यू देखा वो इन टाइप को नजर आवे।
अब अठे का पुजारी जी है श्री नारायण जी स्वामी जी, बहु आपा और जानकारी लेवा। डूंगर बालाजी नाम क्यों पड़ो, सेशन में स्थापना हुई है और ए जगह नारियल है, देख रहे हो नारियल क्यों बांधे जा रहे हैं और बाकी कई सवाल और है, वह भी बीच बीच में आपा पूछते रहे आपा जानकारी लेवा। जय श्री बालाजी की। सबसे पहले आपने बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मारवाड़ी में आप इंटरव्यू ले रहे हो तो सबसे पहले राजस्थान भाषा में आप पहली बार ले रहे हो, तो आपने भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकान भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूंगर बालाजी मंदिर लगभग सम्मत 1627 की बात है, बीकानेर दरबार आ जगह है, जगह पहली बीकानेर दरबार के मायने आती है। तो बीकानेर दरबार हट का कोई किलो बनाने आया पहाड़ी के ऊपर, तो बन कोई बालाजी महाराज को दिष्टाम हुए और बालाजी महाराज को परचो हुए कि आप अट किलो मत मनो मंदिर मनो, तो बे नींव खोदने को काम शुरू करियो। नींव माऊ हनुमान जी महाराज की जकिया दाहिनी तरफ मूर्ति स्थापित है, आ मूर्ति निकली। तो बी टेम 1627 में गिरधारी दास जी मेन जी हाट गोपालपुरे को नाम पुरानी ममोट हो, तो गिरधारी दास जी महाराज ने 1627 में बालाजी महाराज को मंदिर बनार सेवा पूजा को कार्य सौंपियो, और जो कि बीच वाली मूर्ति है आ बीकानेर दरबार आपकी तरफ स्थापित करी। फिर धीरे धीरे मंदिर को विकास होतो गयो और यात्री आया गया। तो जसवनगढ़ का आपने पास का तापड़िया परिवार है, वे मंदिर को जीर्णोद्वार कर रहे, तो जीर्णोद्वार करवा और जबकि एक मूर्ति और है तीसरी, तो वे एक मूर्ति बालाजी की ओर लगाए, तो ये हिसाब हूँ डूंगर बालाजी मंदिर में हनुमान जी महाराज की तीन मूर्ति है। क्यों बताओ जगह नारियल वगैरह है, क्यों बांधे जा रहे हैं? नारियल जगह दूर दराजों भक्त लोग आवे, बाहर देश विदेश हूँ सब जगह हम आवे, तो बे आपकी जो भी मनोकामना मन्नत है तो बाबा ने हाथ जोड़ प्रार्थना कर नारियल बांध जावे और भगवान बाकी मनोकामना सुने, जन बे वापिस आर धोख भी लगावे, नारियल मनोकामना के लिए बांध जावे। दूसरा दर्शकान आप भी बताओ, अठा का जो वार्षिक उत्सव है वो कैती तने हुए और साल का मन कति बार हुए? साल में दो बार प्रोग्राम हुए, एक तो चेत पूर्णिमा को और एक बार अगले महीने में आसोज के मायने मेलो भरी थी, तो चेत में और आसोज में एक तो शरद पूर्णिमा को और एक चेत पूर्णिमा को, तो साल में दो मेला हुए, लगभग सालासर बालाजी को मेला हुए बी टाइम ही हाँ बालाजी को मेला हुए। अच्छा दूसरा एक मैं नीचे आया देखा तो ये पहाड़ का ऊपर है, लोग घर बना रखे है पत्राओं, तो भाई क्यों बना के जा रहे हैं? मैं काफी चीज देखा नीचे, घर की पुरानी मान्यता ही है कि जका लोग बा कोई घर नहीं हुए तो बे बाबा हूँ अटे पहाड़ी के ऊपर घर बनार मन्नत मांग जावे कि हे बालाजी महाराज माँ के भी घर बनाओ, तो आ एक पुरानी परंपरा है सरुई क्या डूंगर बालाजी मंदिर में पहाड़ को एक प्रतीक रूप जो को अपन घर बनार जमात बिन बाबू सुने और माने जल्दी जल्दी बाकी मनोकामना पूर्ण करे, इसलिए वे घर बनावे। अच्छा अभी जगदीश जी वकील साहब है हमारे साथ में आए हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि जो काफी सारो अभी निर्माण कार्य हो के और बहुत अच्छी जहाँ व्यवस्थित करे हुए है, तो दर्शकान थे और क्या करना चाह रहे हो जगह भक्त गण बन के संदेश? विकास कार्य देखो बालाजी महाराज के सब जितो भी विकास हुए है सब भक्तों की कृपा हुई है और भक्त लोग मनोकामना पूर्ण हुए जाना, मनोकामना पूर्ण हुए जाना सब आपके जितो खुलर हुए बाऊ खुलर हर भक्त खुलर सहयोग कर रहे है और बांके सहयोग मंदिर में आज चौमुखी विकास हो रही है। और अठा आने के लिए जगह दर्शन करने के लिए एक तो अपना मंदिर है मेन मंदिर तो ही है जगह वापा खड़े हैं अभी, और भी का अलावा अठा को दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वहाँ बारे में मंदिर है मेन मंदिर तो बालाजी महाराज को है, पीछे परिक्रमा में दो मंदिर और है, एक शंकर भगवान को है और एक राम दरबार है, एक नीचे पितरजी महाराज को, तो तीन मंदिर है। मेन तो आप हूँ देखो दो अपील कर रही हूँ, एक तो जगह लोग किसी भी मंदिर में जावे आजकल वो एक कोई चलन होगी वो परंपरा के भगवान के सागे जगह सेल्फी लेवे, तो किसी भी मंदिर में जावे एक तो कदे भी भगवान के सागे खड़ो और सेल्फी कदे भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप आवा तो दर्शन करने अरे सेल्फी आप भगवान के बराबर कदे भी कौन हो सका, तो भगवान की तान यदि तस्वीर भी लेनी है फोटो भी लेनी है तो बाकी एक अलग हो लियो, सागे खड़ो और कदे भी भगवान की तस्वीर नहीं लेनी। दूसरी मैं आप अपील कर रही हूँ कि आप जीता भी भक्त लोग आवा भगवान के चला रहा पैदल आवा कोई किया आवे तो प्रसाद चढ़ार जावा, तो प्रसाद का पैकेट है तो आने सीढ़िया के मायन
कदे भी इन बिन नहीं गेरना। जितना आपने मंदिर की तरफ डस्टबिन उपलब्ध करवाई है तो वहां डस्टबिन के माइन कचरो डाल लू आप तीर्थ स्थान है इन आप तीर्थाल ज्याय माना। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। और दर्शकों आई अपील कर रहे हैं जगह बता रहे हैं नियमों का पालन करें और आके एक बार आके रहते दर्शन जरूर करो। मैं फर्स्ट बार आया हूं और मेरा सौभाग्य है वकील जी के साथ मैं आया हूं और रहते दर्शन करे हूं। दोस्तों थाने आज जानकारी क्या लगी है? अब बालाजी के मंदिरों बारे निकलता है या नीचे उतरा बी टाइम में पितर जी को मंदिर बनेडो है वहाँ का भी थे दर्शन करो। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी साहब। जय श्री बालाजी। मंदिर में कितनी बार आ गया? मैं तो काफी सालों से मंदिर आ रहे हूँ। काफी टाइम आने लग रहे हो तो थे अटक के चेंजिंग देख रहे हो? मतलब पहले तो अटक कुछ भी को नहीं हो, नॉर्मल मंदिर सो हो और पहले आता भी टाइम तो और एक आने का खाली सीढ़ियाँ ही और सीढ़ियाँ के अब तो काफी डेवलपमेंट हो गया, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ के ऊपर ना तो चादर चादर ही कुछ भी को नहीं हो, ओपन सीढ़िया ही। इसके पैदल के लिए जो रस्तो है भी पर पैदल पर रस्तो ही हो, खाली पैदल पेड़ा को रस्तो और ऊपर कोई भी लाइट की व्यवस्था या कुछ भी व्यवस्था को नहीं। पहले लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हो ना, पेड़ा के ऊपर भी चादर लागी सब चीजें और साइड की गाड़ी आने के लिए भी सड़क बन गई। और के कहना चाह रहे होते आप जगह भी वीडियो देख रहे बन के कहना चाह रहे हो? बन आए कहूं के भगवान का अगर दर्शन हो जावे और बुला ले तो आ जानो चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है। मैं तो हर साल में एक बार दो बार तीन बार को कोई निश्चित को नहीं, जब इच्छा हो मन करे अभी टाइम आ जाओ और आके बहुत आत्म संतुष्टि मिले। तो दोस्तों अपन बहुत ही अच्छी जानकारी देनी है जगदीश जी और काफी टाइम आ रहे हैं, मन भी लेके आया, मन काफी बार कहो लेकिन मैं आ कौन पायो, लेकिन आज संयोग है कि मैं सुबह 6 बजे रतनगढ़ रवाना होके और बालाजी के दर्शन करने के लिए आ गया और 7:30 बजे आके दर्शन कर लेने। अटे को जगह लोकेशन है जीपीएस है वो मैं डाल देती हूँ ताकि थारे सुविधा रहे आने का महीने, वो लोकेशन लगा के आज को वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ताने मिल जाए। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। दोस्तों ये पहाड़ के ऊपर छोटा छोटा थे पत्थर सा देख रहे हो जगह श्रद्धालु भक्त जगह वे बैठा आपका घर बना के जावे, पहाड़ के पत्थरों ये टाइप का जगह पत्थरों घर बना के जावे ताकि वहाँ को घर जल्दी बन जावे। तो वो वीडियो थाने क्या लगी है? यदि अच्छा लगी है तो इन वीडियो ने लाइक और शेयर करना ना भूलना। आगे इन टाइप के दूसरे वीडियो मैंने और जो मिला ला।